गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने का डर, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त क्यों महाराष्ट्र में अकेला प्रैक्टिस करता हूं। मैं जब पढ़ाई करता था ये बीमारी नहीं थी, अभी ये बीमारी चालू हो गई। ये बीमारी अभी कौन सी हो गई है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, जिसमें उनको लगता है कि भाई ये मेरे साथ में टिकेगा नहीं, या ये लड़की मेरे साथ में टिकेंगी नहीं, गर्लफ्रेंड ये छोड़ के जाए। क्या है कि आज ऐसा माहौल हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप पुराने जमाने के लोग माने जाते हैं, या ऐसा कैसा बहुत पिछड़ा हुआ ऐसा माने जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी इंटरनेट, बाकी सोशल मीडिया जो है, उनके माध्यम से अनजान लोगों के साथ में दोस्ती बनती है, वो दोस्त भी बन जाते हैं एक साथ। जो मतलब कोई एजुकेशन है, बाहर लोगों का आना जाना, एक ही क्लास में पढ़ना, हलचल, मतलब इतनी हलचल, इतना लोगों का मतलब घूमना फिरना, मिलना जुलना इतना ज्यादा प्रमाण में होता है, और वो नहीं हो तो वर्चुअल मिलना जुलना होता है थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक, उससे दोस्ती बन जाती है और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के किस्से चालू हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि उनका सेक्सुअल मतलब उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है, डिमांड करते हैं एक दूसरे से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब देखो, जब किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत एंग्जाइटी है, मैं परफॉर्म कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में है, और मेरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ जाता है, वो लड़के का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ जाता है कोई लड़की के साथ में, तो नेचुरली है कि पहले कॉन्टैक्ट में वो सक्सेस होगा ही नहीं। एक तो उसका इरेक्शन नहीं होगा, कठोरता नहीं आएंगी, या फिर कठोरता आती है तो उसका शीघ्र पतन हो जाएगा। अब ऐसे कितने मेरे पास में लड़के लोग आते हैं कि बोलते कि गर्लफ्रेंड के साथ में हम सेक्स करते हैं और उसमें हमारा शीघ्र पतन हो जाता है, अभी मुझे डर लग रहा है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, कि वो बोलती है कि तू आदमी में नहीं है, तू मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं, और उससे उनको डिप्रेशन आ जाता है। मैं बोला अभी उसका इलाज क्या करना, वो बहुत कठिन समस्या हमारे सामने होती है, क्योंकि सेक्स प्रॉब्लम का इलाज हम हरदम दोनों को बुला के करते हैं। अब दोनों तो इस केस में आते नहीं, बोले गर्लफ्रेंड कैसे आएंगे, वो तो आ ही सकती नहीं है आपके पास, मुझे बताओ जो भी कुछ करना है। अच्छा, उसका पूरा भी टेंशन क्या है दिमाग में, अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा और उस समय मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को छोड़ के चले जाएगी। अब इसलिए मैंने पहले ठीक होना चाहिए, मतलब भाई ठीक है, तूने ठीक होना चाहिए, अभी मैं आपको जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, आप टेस्ट कहाँ करेंगे कि मैं ठीक हो गया या नहीं हूँ। एक्चुअली आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तभी मालूम होगा। ऑन द कोर्ट, ऑन द कोर्ट तुमको डर लग रहा है तो वहाँ फेल होने के पूरे चांसेस है, तो ये क्या लगाया है, ये पूरा बंद करना पड़ेगा। मगर लोग बोलते नहीं नहीं अभी तो फैशन हो गई है, अभी तो इतने लोगों के कॉन्टैक्ट है आपस, मतलब इतने मतलब कपल्स तैयार हो गए, पेयर्स है, और मतलब इतने इतना ज़्यादा प्रमाण में कि माँ बाप को भी मालूम नहीं कि आपके बच्चे, अपने बच्चे जो है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा आपस में, मतलब एक दूसरे से क्या, कौन से लेवल पे है, कुछ मालूम नहीं। मैं उनको बोलता हूँ कि आपको पहले बंद करना पड़ेगा, जब तक आपका फोकस है कि मैं परफॉर्म, पहले मैं ठीक हो जाऊँ और बाद में जाके परफॉर्म करूँ, तो ये होने वाला है नहीं, पॉसिबल ही नहीं होने, आपको कन्फाइड करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ क्या वो लड़की के साथ में आपकी शादी होने वाली है? नहीं, बोले शादी पता नहीं होंगी नहीं होंगी पता नहीं, बोला ऐसे तो एंजॉय कर रहे। फिर ये कैसा इलाज करना हमको समझ में नहीं आता, हम बोलते पहले रिलैक्स हो जाओ, पहले ये बंद कर डालो, जब तक आपका फोकस सेक्स के ऊपर है और मैं पुरुष हूँ और मुझे सिद्ध करना है कि मैं पुरुष हूँ और मैं ज़्यादा देर तक मैं सेक्स कर सकता हूँ, ऐसे जब तक इरादे है तब तक ये कुछ होने वाला है नहीं। काउंसिलिंग के जरिए उनको हमको ठीक करना पड़ता है, पूरा काउंसिलिंग हम क्या करते हैं यहाँ बताना तो मुश्किल ही है, मगर काउंसिलिंग करना उनको, उनके मॉरल, उनके वैल्यूज़ क्या है, अपने समाज के वैल्यूज़ क्या है, उसके बारे में उनको बात मतलब उनसे बात करना, और फिर उसमें जैसा भी लोगों को अच्छा लगता है वो आते हैं, और मैं सच्ची बताता हूँ, सच्ची बात करता हूँ तो वापस आते भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। मगर अभी यहाँ मुझे यही देना है संदेश पेरेंट्स को कि पेरेंट्स ने देखना चाहिए अपने बच्चे कहाँ हैं, अपनी लड़की घर में जल्दी आ रही है कि नहीं आ रही, कहाँ घूम रही है, किसके साथ में बातचीत कर रही है। मतलब कि फ्रेंडशिप एक्चुअली फिजिकल फ्रेंडशिप है और वर्चुअल फ्रेंडशिप है, फेसबुक के ऊपर ही फ्रेंड है और वहीं चैटिंग चालू है और वहीं मतलब वल्गर फोटोज शेयर कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा माँ बाप को कि क्या हो रहा है, लगता है कि हाँ बच्चे घर में बैठे हैं, बाहर जाते नहीं और घर में बैठ के सब कुछ कर डालते। तो ये माँ बाप को मालूम होना, माँ बाप का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और यदि माँ बाप करते हैं तो काफ़ी बड़े प्रॉब्लम जो आगे आने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।